हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू जल्दी टिप्स। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका पीरियड मिस होने के 3 दिन पहले क्या आप पता लगा सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, क्या आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। तो आप अगर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करो, अगर किट के द्वारा टेस्ट करो, तो क्या आपको करेक्ट रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आप कैसे पता लगा सकती हो। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय में बात करने वाले हैं और आपको जो अर्ली प्रेगनेंसी रहेगी उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स होंगे उन सब के बारे में भी आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब आपका पीरियड मिस नहीं हुआ होता है तो उसके कितने दिन पहले जो है आपको पता लग सकता है। वैसे तो हमेशा ये कहा जाता है कि आपको जो है पीरियड मिस होने तक का वेट करना चाहिए, लेकिन जब कोई प्लानिंग करता है, प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करते हैं, तो हमारे अंदर एक बहुत मतलब इतनी एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है कि हमसे वेट ही नहीं हो पाता है। तो हमारा पीरियड मिस होने के बहुत 8 दिन 10 दिन पहले से भी बहुत लोग चेक करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं खुद के एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि मेरे प्रेगनेंसी जो मेरे जो पीरियड मिस होने के 8 दिन पहले से ही मैंने चेक करना चालू कर दिया था। हालांकि रिजल्ट कुछ और ही आया था जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि 3 दिन पहले क्या आपको पता लग सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने इतने सारे किट्स यूज किए थे अपने प्रेगनेंसी जो है कंफर्म करने के लिए, 8 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तो मुझे क्या रिजल्ट आया था। देखिए, अगर आपके पीरियड मिस होने के पहले आप चेक करते हो, पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपने कब ओवुलेट किया था, आपने कंसीव लेट किया है या जल्दी किया है। तो इन सब के पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रेगनेंसी किट है वो आपकी प्रेगनेंसी कितना जल्दी डिटेक्ट कर सकती है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तभी जो है आपके आपके बॉडी में जो है आपका हार्मोन लेवल HCG लेवल बढ़ता है और उसी को डिटेक्ट करता है आपका प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो आप जब चेक करोगे अगर HCG लेवल बढ़ा है तो वो यूरिन से जो है डिटेक्ट कर लेगा, अदरवाइज अगर आपका HCG लेवल नहीं बढ़ा है तो वो डिटेक्ट कर नहीं पाएगा और आपको रिजल्ट जो है निगेटिव आ जाएगा। देखिए, अगर आपका पीरियड मतलब आपको ऑन टाइम आता है, रेगुलर आता है, आपका 28 दिन का है या फिर 30 दिन का है, आपको पीरियड में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है और आपने ऑन टाइम ही ओवुलेट किया है और बराबर टाइम पे जो है आपने रिलेशन भी बनाया है, तो और अगर आपका पीरियड मिस होने के पहले आप 3 दिन पहले भी चेक करती हो तो आपको रिजल्ट आपको पॉजिटिव आ सकता है। कैसे पॉजिटिव आ सकता है, बहुत सारी लेडीज को क्या है कि अगर वो पीरियड मिस होने के पहले भी 3 दिन पहले भी चेक कर लेती हैं तो उनको 2 रेड लाइन आ जाती है। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को क्या होता है कि उनको निगेटिव भी आ जाता है, क्योंकि उनका बहुत अर्ली स्टेज होता है प्रेगनेंसी का और उनका जो किट है वो डिटेक्ट बराबर नहीं कर पाता है। तो और दूसरा क्या होता है कि अगर आप प्रेगनेंसी किट से चेक कर रहे हो तो आपको ना ही पॉजिटिव आता है, मतलब 2 रेड लाइन नहीं आते हैं, और ना ही आपको निगेटिव आता है, आपको आता है फेंट लाइन। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, मैंने जब भी 5 दिन पहले भी किया था मुझे बहुत हल्की सी फेंट लाइन आई थी, जब मैंने 4 दिन बाद किया तभी भी फेंट लाइन आई, 3 दिन बाद किया तभी भी फेंट लाइन आई। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी फेंट लाइन जो है डे बाय डे थोड़ी सी डार्कर होनी चाहिए। अगर आप 3 दिन पहले करते हो, अगर आपको फेंट लाइन, हल्की फेंट लाइन आती है, तो जब भी वापस 1 दिन और बात करोगे तो और थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, और जिस दिन आपका पीरियड मिस हो जाएगा उस दिन आपको डार्क हो जानी चाहिए। अगर आपको 3 दिन पहले भी फेंट लाइन आती है, मतलब आपके बॉडी के HCG लेवल को उसने रीड कर लिया है आपके किट ने, इसके लिए जो है आपको फेंट लाइन आया है। हो सकता है कि आपके जिस दिन पीरियड मिस हो आपको डार्क आ जाए और आपका जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। तो इसके लिए अगर आप भी एक्साइटमेंट की वजह से आप चेक कर रही हो तो फिर आपको 3 दिन बाद भी अगर आपको फेंट लाइन आता है तो फिर भी 1 दिन बाद वापस चेक करें, और जिस दिन आपका पीरियड मिस हो जाए उस दिन भी आप चेक करें, तो आपका जो है ये लाइन जो है थोड़ी डार्कर होती जाएगी। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो आपका जो है HCG लेवल डे बाय डे बढ़ता ही रहता है, तो यूरिन में जो डिटेक्ट करके आपको एकदम करेक्ट रिजल्ट देगा। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये कहती है कि जिस दिन उनका पीरियड मिस होता है उस दिन भी जो है उनको फेंट लाइन आती है, तो हो सकता है कि आपने लेट कंसीव किया हो, आपने जो है लेट ओवुलेट किया हो, आपका कंसीव लेट हुआ हो, जब आपने रिलेशन बनाया हो, ओवुलेशन के बाद जब आपने रिलेशन बनाया होगा तो आपकी जो अंडे को फर्टिलाइज किया होगा वो फर्टिलाइजेशन आपका लेट हुआ हो, इस वजह से जो है आपको हो सकता है कि जिस दिन आपका पीरियड मिस होता है उस दिन भी आपको फेंट लाइन ही दिखी जाती है। तो इस मामले में भी आप 3-4 दिन बाद वापस करोगे तो आपको जो है आपकी लाइन डार्क हो जाएगी अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। अब आपको ये बताऊं कि आप
अगर आप अपने सिम्टम से आपके अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में आप अपने सिम्टम से कैसे कंफर्म करोगे कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है या नहीं किया है। तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, पहला ये कि इम्प्लांटेशन पेन। देखिए जब जैसे कि हमें बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज होती हैं कि मैम हम अपने मुझे जो क्रैम्पिंग्स होती है इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं वो पीरियड के क्रैम्प्स तो नहीं है, वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए पीरियड के क्रैम्प्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, हाँ इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग भी थोड़ी सिमिलर होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होता है। आपको थोड़ी थोड़ी सी जो है पेट के निचले हिस्से में, मतलब आपके नाभि के निचले हिस्से में आपको थोड़ी थोड़ी क्रैम्पिंग होगी, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि आप बर्दाश्त ना कर सको। हल्की हल्की आपको क्रैम्पिंग होगी वो, क्योंकि वो आपके इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता रहता है जिसके वजह से आपको वो क्रैम्पिंग आती है। दूसरी ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस में जो है आपको ब्लीडिंग स्पॉटिंग भी सिम्टम्स आ सकती है, लेकिन बहुत सारे महिलाएं समझ बैठती है कि शायद उनको पीरियड आ गया है। नहीं, सारे महिलाओं को नहीं, लेकिन कुछ महिलाओं को जो है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग की भी सिम्टम्स आती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग इतना ज्यादा हैवी नहीं होती है जैसे आपको पीरियड के टाइम पे होती है, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। देखिए जब आपका पीरियड होता है बहुत फ्लो में होता है, लेकिन आपकी इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग जो होती है एक एक ड्रॉप जैसा स्पॉटिंग, छोटा छोटा स्पॉटिंग जैसे ही होती है, या फिर अगर थोड़ी बहुत बहुत कम महिलाओं में, बहुत रेयर महिलाओं में ऐसा होता है कि थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बट थोड़ा ज्यादा मतलब इतना भी ज्यादा भी नहीं कि आपको एक पैड से ज्यादा लगाना पड़े। आपको बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं होगा कि आपको एक पैड से भी ज्यादा लगाना पड़े, आपको थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग होगी और ये स्पॉटिंग जो है दो तीन दिन आपकी हल्की हल्की हो सकती है। लेकिन अगर आपको हैवी स्पॉटिंग दिखे, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग दिखे, तो आप वेट बिल्कुल ना करें, तुरंत डॉक्टर से आप जो है कॉन्टेक्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि हल्की बहुत स्पॉटिंग जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए नॉर्मल है, बट अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इस मामले में जो है आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दूसरा ये कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी में जो है ये देखने को मिलेगी कि बहुत सारी महिलाओं में जो है उनका ब्रेस्ट उनको थोड़ी हैवी लगने लग जाती है, मतलब ब्रेस्ट थोड़ी हैवी लगेगी, आपकी निप्पल्स में थोड़ा सा आपको हल्का हल्का पेन रहेगा, आपको समझ में मतलब थोड़ा बहुत सिम्टम्स समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे केस में भी यही हुआ था। जब मैंने कंसीव कर लिया था तो ब्रेस्ट थोड़ी हैवी लगने लग गए थे, थोड़ा दर्द करने लग जाता है, निप्पल्स में अगर आप टच करोगे तो थोड़ा बहुत आपको जो है पेन होने लग जाता है, तो ये भी आपकी जो है अर्ली प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी एक सिम्टम्स है। दूसरी ये कि सारे एक और सिम्टम है जो सारे महिलाओं में तो नहीं आती है, लेकिन कुछ महिलाओं में होती है कॉन्स्टिपेशन। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये मुझे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मुझे ये सिम्टम देखने को मिले कि कॉन्स्टिपेशन, जब भी मैं कुछ खाती थी तो मुझे जो है जल्दी हजम नहीं होता था और मेरा मोशन जो है इजिली इतना क्लियर नहीं होता था, मुझे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता था, गैस हो जाता था और जो है लूज मोशन का प्रॉब्लम भी मुझे बहुत फेस करना पड़ा था। तो ये भी एक सिम्टम्स है जो बहुत सारी महिलाओं को उनके प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलते हैं। और बहुत सारी महिलाओं को जो है मतलब अर्ली प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ खाना खाती है तो उनको वॉमिट जैसा फील होने लगता है। जैसे कि आप सबको पता है ये जो सिम्टम्स है ये तो सबको पता है, ये नॉर्मल है वॉमिटिंग का जो सिम्टम्स है। दूसरा ये कि आपको देखने मिले आपने जब प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया आपका जो वेट है वो गेन होने लग जाता है, मतलब आप जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं तो आपको आप जो भी खाना खाते हो वगैरह आपको भूख भी ज्यादा लगने लग जाती है और आपका जो है वेट गेन होने लग जाता है, तो इसको भी ट्रैक करके जो है आप पता लगा सकती हो। और एक और बताऊंगी आपको बॉडी टेम्परेचर, जब आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया हो अगर आप सुबह उठ के अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करें तो हो सकता है कि आपका टेम्परेचर जो है थोड़ा ज्यादा बताए, क्योंकि उस टाइम पे जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर हल्का बहुत बढ़ जाता है, मॉर्निंग सिकनेस आने लग जाता है। आप जब मॉर्निंग में सो के उठोगे तो आपको मॉर्निंग सिकनेस लगने लग जाता है, आपको थोड़ा डिजीनेस लगता है, थोड़ा आलसीपन लेजीपन लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं मॉर्निंग में नहीं उठना है अभी करके, ऐसे करके अब ये सब भी थोड़ा आपको सिम्टम्स आ सकता है। दूसरी ये कि मूड स्विंग्स, कि आपको मूड मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मूड स्विंग कभी हैप्पी कभी सैड, कभी ऐसा हो सकता है कि चिड़चिड़ापन आ जाता है, किसी ने कुछ भी कहा तो आपको चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपका मूड जो है सेकंड में मिनट में जो है स्विंग होने लग जाता है। और एक आपको बताऊंगी कि फूड का स्मेल, ये एक बहुत ज्यादा ये मैंने अपने दोनों प्रेगनेंसी में ही ये मैंने जो ये सिम्टम्स मैंने रियलाइज किया है कि नोटिस किया है कि जब आपके घर में मान लीजिए कोई भी
फूड बनता है, खाना बनता है, तो आपको जो है उसका स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब कोई भी खाना बना या फिर कोई भाजी बन रही हो, किचन में खाना बन रहा हो, तो आपको जो है इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं होता है। ताकि हालांकि आपको जो है फूड के स्मेल्स पसंद है, कि अगर आपके घर में वेज या नॉन वेज या मसालेदार कुछ भी बन रहा है या फिर फ्राइड बन रहा है, आपको वैसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब जो है आपको उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाजी वगैरह कुछ बन रहा है, उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही, फूड के स्मेल से भी आपको जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो हो सकता है कि ये भी आपकी प्रेगनेंसी की एक सिम्टम्स हो सकती है। तो देखिए, मैंने आपको बहुत सारे आपको अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी प्रेगनेंसी को ट्रैक कर सकते हो, कि अगर आपने प्लानिंग किया है, वैसे तो आप अगर आपने प्लानिंग किया है तो आप तो एक्साइटेड होंगे ही चेक करने के लिए, और अपने सिम्टम्स को भी बराबर ट्रैक करते होंगे। तो अगर आपने पीरियड मिस होने के कुछ दिन पहले भी अगर चेक कर लिया है तो आपको सिम्टम्स देखने मिल सकते हैं। उस टाइम पे भी आपके आपका जो ये प्रेगनेंसी कंफर्म होने के पहले भी आपको हल्का हल्का ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। वैसे तो सारे महिलाओं के सिम्टम्स अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो सिम्टम्स आपके सिमिलर जरूर होंगे जो आपको अपने केस में देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बनाती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और सब्सक्राइब बटन के पास एक बेल आइकन होगा, उसको आप जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। अगर आप प्रेस कर दोगे तो मैं जब भी वीडियो डालूंगी तो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।